काफी दिनों बाद ये ब्लॉग आ रहा है, तो तो आप आज आपको हम बताएंगे कालीनाथ कलेश्वर मंदिर। काफी दिन हो गए हैं, मैं गया भी नहीं हूँ वहां से, और मेरे पीछे के एकदम सामने है। सो आज बताते हैं आपको कालीनाथ कलेश्वर मंदिर, लेट्स गो। सो गाइस, जो मंदिर है वो हमारे पीजी के एकदम सामने है, और अभी टाइम हो रहा है 1:39 दोपहर के, और अभी हम दोपहर को जा रहे हैं मंदिर में। सो यहाँ पे पुल है कलेश्वर का, और व्यू कुछ इस तरह से है। कलेश्वर का पुल आप देख सकते हैं, और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त। और यहाँ है मेन गेट मंदिर का, और मंदिर का गेट के पास हमारा स्वागत करते हैं नंदी बैल, और यहाँ पे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं मैक्सिमम टाइम। और आपको शॉप मिल जाती है, मतलब एंटर करते ही गेट से पकोड़े वगैरह जलेबी। एंड आप ये मंदिर का व्यू देख सकते हैं, मतलब जो भी रास्ता है जहाँ से आप गुजरेंगे अगर आप आएंगे यहाँ तो। वैसे बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी पीस है। और गाइज यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पर आप कश्मीरी हिमाचली स्टाइल में अपना फ़ोटो जो है वो क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे है पार्किंग एरिया जो कि मंदिर के प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे मेले वगैरह भी होते हैं। सो फिलहाल अभी चलते हैं हम मंदिर की ओर, एंड मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, अब नज़दीक ही है। सो यहाँ पे मेरा दोस्त कुछ वीडियो शूट कर रहा था, मैंने उसको बोला कि शूट कर दे थोड़ी। फिर यहाँ पे ये पीपल का पौधा है, मतलब काफ़ी पुराना है, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह रखा हुआ है शॉप पे। और ये है मेन गेट कालीनाथ कलेश्वर मंदिर का। सो चलते हैं मंदिर के अंदर। सो मंदिर के अंदर का व्यू कुछ इस तरह का है, एंड आप देख सकते हैं पांडवों ने बनाया था ये मंदिर। और यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारने के लिए सेपरेट कॉर्नर बना रखा है। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर की दूसरी ओर, जहाँ से आपको दिखता है ब्यास नदी का खूबसूरत व्यू। सो गाइज, इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे अलग से सेपरेट जगह बना रखी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोगों को जुलाया भी जाता है, लाइक शमशान घाट नीचे, मतलब यहाँ पे जो भी अस्थियाँ वगैरह होती हैं वो विसर्जन कर सकते हैं यहाँ पे, तो छोटा हरिद्वार भी इसको बोलते हैं। और आप व्यू देख सकते हैं, मतलब काफ़ी प्यारा व्यू है। और ये पौड़ियाँ, लाइक बच्चा यहाँ पे चल रहे थे, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था, मैंने शूट करा। यहाँ पे चेतावनी वगैरह लिखी है कि बेफालतू नीचे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो लोग घूमने आते हैं वो बेफालतू में नीचे फ़ोटो के चक्कर में पानी में गिर जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ये देखो पांडवों ने बनाए थे ये मंदिर, और कितने पुराने हैं। सो आपको भी ले चलते हैं मंदिर के बीच वाली साइड। सो यहाँ पे है कुटिया वगैरह जहाँ वो भी पंडित वगैरह पूजा करते हैं उनके लिए। और यहाँ पे पिंडियाँ वगैरह बना रखी हैं शिव जी की इन मंदिरों में। सो गाइज अभी चलते हैं, आपको बताते हैं। ये देखो शिव जी की पिंडी बना रखी है। सो पंडित ने बोला कि लाइक ये है जो भी यहाँ पे पहले पंडित रहते थे उनकी, लाइक वो बना रखी है समाधि। और फिर हमने हाथ वगैरह धोए वहाँ दूसरी साइड से आके। अब चलते हैं मेन मंदिर की ओर। मंदिर के प्रांगण में है ये बड़ा सा पीपल का पौधा, और मंदिर में जाते ही ये लगा था हवन, मतलब लोग करवाते हैं हवन यहाँ पे। सो काफ़ी शुद्ध है। और अभी है ये है मेन एंट्री मंदिर के लिए। सो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अलाउड तो नहीं है, बट मेरे को बनाना था ब्लॉग तो मैंने गाइस शूट कर लिए आपके लिए। एंड आप देख सकते हैं ये है मेन मंदिर, और पिंडी जो है वो नीचे जा चुकी है। इसका लॉजिक मुझे पता नहीं है, और ना मैंने पंडितों से पूछा। सो ये है व्यू मंदिर के पिछली ओर का। सो गाइज, मंदिर में छोटे छोटे और मंदिर भी बना रखे हैं, लाइक शिव जी के, नाग देवता के मंदिर, एंड ये राधा कृष्ण की मूर्ति काफ़ी प्यारी है। सो गाइज, यहाँ पे लिखे हैं महादेव के 108 नाम, इनको पढ़ने से आपके जो कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। और यहाँ पर है काली माँ का मंदिर, एंड मंदिर की पिछली ओर बनाया है हनुमान जी का मंदिर। सो आप देख सकते हैं ये भी पांडवों के ही इसका बना हुआ है, उनके ही टाइम का। सो काफ़ी पुराना मंदिर है, और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी मंदिर के अंदर, लाइक काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लाइक पॉजिटिविटी। सो गाइज, यहाँ से भी आप व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे था पीपल का पेड़, और बरसात वाले दिनों यहाँ पे सारा पानी से कवर हुआ रहता है ये ब्यास नदी, और लाइक इतने ऊपर आ गया था ये पानी, लाइक मंदिर जो शिव जी की पिंडी है मेन, वहाँ तक पानी आ गया था। तो जो मेन यहाँ पे पीपल था वो बह चुका है अभी।
और यहाँ पे मैंने सिनेमैटिक्स कुछ क्लिप लिए हुए हैं, सो आप इनको एंजॉय करो। सो गाइस, फिर मैंने खाया यहाँ से बेसन, क्योंकि बेसन यहाँ पे काफ़ी टेस्टी मिलता है और एक नारियल के लड्डू यहाँ फेमस हैं, लाइक काफ़ी टेस्टी होते हैं। सो गाइस, ये था ब्लॉग, और इफ़ यू पीपल लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।